नमस्कार, आप लोगों को हमारे चैनल पर स्वागत है। आज पिछले वीडियो इम्पोर्टेंसी यानी जौन समस्या से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज पिछले दो वीडियो में इस विषय पर चर्चा किया गया है, अगर देखना चाहें तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज इस वीडियो में बायोकेमिक मत से प्रयुक्त होने वाले जौन समस्याओं के लिए पांच प्रमुख दवाओं पर चर्चा करेंगे। इन्हीं दवाओं से सारे जौन समस्याओं का नपुंसकता, स्वप्न दोष, पुरुषांग का उत्तेजित न होना आदि सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुने। चर्चा शुरू करने से पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल बटन को दबाएं, ताकि वीडियो डालते ही आप लोगों तक पहुंच सके। जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करना न भूलें, ताकि वीडियो बनाने में प्रोत्साहन मिले। आप लोगों के कमेंट करने से प्रोत्साहन मिलता है, इसलिए कमेंट करें। चलिए अब विषय पर चर्चा करते हैं। पिछले दो वीडियो में इम्पोर्टेंसी पर चर्चा किया जा चुका है, आज ये तीसरा वीडियो है। आज बायोकेमिक मत से जिन दवाओं का प्रयोग जौन समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है, उन प्रमुख पांच दवाओं को बताया जाएगा। पहली दवा है नेटरम फॉस्फोरिकम, इसको संक्षेप में नेटरम फॉस कहते हैं। इसके रोगी में स्वप्न देखकर या बिना स्वप्न देखकर, धातु क्षय हो जाता है, सेमेन डिस्चार्ज हो जाता है और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। इसके व्यक्ति में सेक्स की इच्छा नहीं होती या बिना पुरुषांग उत्तेजित हुए ही सेक्स की इच्छा होती है, यानी इरेक्शन नहीं होता लेकिन सेक्स की इच्छा होती है। दोनों में से कुछ भी परिस्थिति हो सकता है। इसमें सेमेन जो होता है, धातु जो होता है, से पतला होता है। यदि अम्ल का लक्षण मौजूद हो यानी एसिडिटी रहती हो तो यह दवा बहुत ही कारगर होती है। इस परिस्थिति के लिए यह दवा बहुत कारगर होती है। अच्छा, दूसरी दवा है कैल्केरिया फॉस्फोरिकम, संक्षेप में इसको कैल्क फॉस कहते हैं। मास्टरबेशन या एक्सेसिव जौन समागम के कारण शरीर में जो दुर्बलता आती है, तो उसके लिए यह प्रधान दवा है। अत्यधिक इंद्रिय सेवन के कारण पुरुषांग यदि उत्तेजित न होता हो, शरीर में दुर्बलता लगती हो, तो यह दवा बहुत ही कारगर होती है। इसके साथ यदि
गैस की समस्या रहती हो तो भी यह दवा और कारगर सिद्ध होगी। इसमें पुरुषांग शिथिल रहता है, पुरुषांग में ताकत नहीं रहता। तीसरी दवा है कैलीफॉस्फोरिकम, संक्षेप में कहते हैं कैलीफॉस। किसी भी कारण से मास्टरबेशन या अत्यधिक सेक्सुअल इंटरकोर्स, अत्यधिक सहवास करने, किसी भी कारण से ज़्यादा धातु क्षय होने से, ज़्यादा ब्रिज क्षय होने से मानसिक लक्षण उत्पन्न हो गया हो, जैसे काम में मन न लगना, चिड़चिड़ापन, उदासी, चिंता आदि घर कर गई हो, तो यह दवा बहुत ही कारगर होगी। धातु क्षय के कारण इसमें कैलीफॉस में मानसिक लक्षण उत्पन्न हो जाता है। सहवास के बाद, इंटरकोर्स के बाद शरीर में सुस्ती आ जाती है और सेक्स की प्रवृत्ति लुप्त हो जाती है। सेक्स करने की जो इच्छा है वो लुप्त हो जाती है। तो इस तरह की यदि परिस्थिति हो तो कैलीफॉस दवा का प्रयोग करेंगे। चौथी दवा है नेट्रमयूर। नेट्रमयूर में किसी स्त्री के साथ बात करने, नोबेल देखने, सिनेमा आदि देखने से ही पुरुषांग बिना उत्तेजित हुए ही तरल धातु निकलता है। कैल्केरिया फांस का धातु गढ़ा होता है और नेट्रमयूर का पतला। सहवास की इच्छा नहीं होती, बार बार धातु क्षय होने के कारण कमर में दर्द रहने लगता है, तो इस तरह की यदि अवस्था हो तो नेट्रमयूर कारगर साबित होती है। नेट्रमयूर के रोगी का एक और प्रमुख लक्षण है कि वह नमक खाने का शौकीन होता है, यानी दूसरे लोगों की अपेक्षा वह नमक ज़्यादा खाता है। खाना खाने के समय अलग से नमक लेके खाएगा और नमकीन चीज़ खाने का वह ज़्यादा उत्सुक रहता है। अब पांचवी दवा है साइलेसिया। इसके रोगी में स्त्री के विषय में चिंता करने, आलोचना करने से ही धातु निकल जाता है। पुरुषांग के दुर्बलता हेतु इंटरकोर्स की, सहवास की इच्छा नहीं होती और इस परिस्थिति में साइलेसिया उपयोगी होती है। अब एक आसान उपाय बताता हूँ। यदि ऊपर बताए दवाओं में से किसी का चुनाव नहीं कर पाएं तो एक आसान तरीका है नेट्रम फांस, कैल्क फांस और कैलीफॉस, तीनों के 12-12 एक्स या 6-6 एक्स जो भी हो, दो दो गोली लें, यानी कि नेट्रम फांस से दो गोली लें, कैल्क फांस से दो गोली लें और कैलीफॉस से दो गोली लें, 6 गोली हो गया, और इन्हीं 6 गोली को एक बार में खा लें। ऐसा करके रोज 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को लें और साइलेसिया 12 एक्स 3 बार लें रोज। ये दो दवा, ये 4 दवा जो है से डेली लेना है। बाकी एक दवा जो कैलीमयूर है, इसका 200 एक्स लें, सप्ताह में एक बार एक गोली करके लें।
ऐसा 2-3 माह तक चालू रखें, समस्या का समाधान अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए केस के साथ।